बिस्मिल रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। इस फिल्म में हम लोग आप लोगों से एक लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। UHS ने सेकंड सिलेक्शन लिस्ट फॉर MBBS अपलोड कर दी है। आप लोग इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा parklearningspot.com की वेबसाइट पर भी जाके आप लोग मजीद जो अपडेट्स है वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब पता चले कि इसमें स्टूडेंट्स को टाइम दिया गया है कि जो नए सेलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, कुछ सीट्स वैकेंट हो गई है, तो उनको जो है 2 जनवरी से 4 जनवरी तक टाइम दिया गया है कि वो अपनी फीस जो है जमा करा दें बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे जाके। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट प्रोसेस जिसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप लोग जो है वो चलान फॉर्म आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं, तकरीबन 18,030 रुपये जमा कराने हैं। और ये हम लोगों ने पहले आपसे वीडियो में शेयर किया, आप लोग वहां से देख लेगा किस तरीके से आप लोगों ने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और फिर पे करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को 4 जनवरी तक टाइम है कि आप लोग अपनी डिपॉजिट फी कर दे। उसके बाद अगर आप लोगों अगर उस टाइम तक आप लोगों ने फीस नहीं जमा कराई तो आप लोगों का जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है या एडमिशन प्रोसेस है वो नया खत्म हो जाएगा और आपकी जगह दूसरे जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनको चांस दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग UHS की सेकंड सिलेक्शन लिस्ट की बात करें जिसमें ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो कि पहले उनकी प्रेफरेंस जैसे किंग एडवर्ड की थी, ठीक है, अब वो उनका अपग्रेड हो गए, वो किंग एडवर्ड में आ गए, लामा इकबाल से अपग्रेड हो गए, किंग एडवर्ड में आ गए। तो इसी तरह जो सीट्स खाली हो गई हैं उनकी जगह स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन मिला है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं किंग एडवर्ड का नया मेरिट जो बना है क्लोजिंग मेरिट वो 93.5303 है। इसी तरह रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज भी जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो अपग्रेड हो गया है। ठीक है, और इसका नया क्लोजिंग मेरिट 93.1864 है और ये क्लोजिंग मेरिट हम लोग आप लोगों से एंड में शेयर भी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह इलामा इकबाल सर्विसेज और आप लोग देख सकते हैं इन द एंड आप लोग देखेंगे जो नए स्टूडेंट्स है जो वेटिंग लिस्ट में है इनको जो है वो फीस जमा करानी है और इनको जो है अगर ये फीस जमा करा देंगे तो इनका फिर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग फर्दर देखें तो जिसमें ओवरसीज कैंडिडेट्स या ओवरसीज के में भी 3 स्टूडेंट्स जो है आए हैं। इसी तरह अगर हम लोग जो रेसिप्रोकल सीट्स है उसके ऊपर भी 3 स्टूडेंट्स है। इसी तरह फर्दर आप लोग अगर जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो अपग्रेडेशन हुई है। ठीक है, अब अगर हम लोग सेकंड मेरिट लिस्ट के हवाले से बताते चले कि इनमें क्लोजिंग मेरिट्स कितने रहे हैं तो किंग एडवर्ड का आप लोग देख सकते हैं कि 93.5303 पे है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का 93.1864 है, लामा इकबाल का 92.5985 है, इसी तरह सर्विसेज का जो है वो 92.05, मीरीदून का 91.72, इसी तरह निश्तर फातमा जिना मेडिकल कॉलेज, पंजाब मेडिकल कॉलेज, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, कायदी आजम मेडिकल कॉलेज और ये तमाम मेडिकल कॉलेज जो है पंजाब के सेक्टर के उनका क्लोजिंग मेरिट आप लोग देख सकते हैं। डीजी खान का जो क्लोजिंग मेरिट रहा है यही ओवरऑल होता है और ये 90.4909 तक आ गया। ठीक है, तो यही क्लोजिंग मेरिट आपका इस साल एक्सपेक्ट किया गया था और इतना ही रहा है। ठीक है, अब इससे मजीद कोई 1-2 ही पॉइंट्स का गिरने का फर्क है लेकिन इससे ज्यादा जो है वो कोई गिरने का खास फर्क नहीं है, मतलब कि आपके जो क्लोजिंग मेरिट है वो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बाकी जो क्लोजिंग मेरिट्स है फॉर एग्जांपल ओवरसीज पाकिस्तानीज, डिसेबिलिटी, रेसिप्रोकल, चोलिस्तान, इनका तमाम का आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा अपडेट हो गया, हम लोग तमाम को अपडेट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं क्लोजिंग मेरिट्स इतने रहे। इसी तरह फर्दर जो इससे पहले की जो मेरिट लिस्ट थी, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट UHS की अपडेटेड मेरिट लिस्ट थी उसमें क्लोजिंग मेरिट्स कुछ इस तरह के थे। ठीक है, अब जो है वो थोड़े से जो है आप लोग देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ये देख सकते हैं कि इसमें जो कि दोनों मेरिट लिस्टों में जो क्लोजिंग मेरिट का फर्क पड़ा है वो कितना पड़ा है। ठीक है, पहले जो है वो 90.52 था, अब जो है आप लोगों का 90.49 तक आ चुका है। इसी तरह किंग एडवर्ड का भी बहुत थोड़ा सा फर्क हुआ है और ये तमाम मेडिकल कॉलेजेस का आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बाकी कोटा वाइज सीट्स के ऊपर बात की जाए तो उसमें भी बहुत थोड़ा थोड़ा ही फर्क पड़ा है, आप लोग इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग नीचे शेयर भी कर देगा और आप लोग जो है हमारी वेबसाइट parklearningspot.com की वेबसाइट पर जाके वहां से भी देख सकते हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मजीद इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।